गाइस, मैं हूँ सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 12 क्लास 4 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज द सैड लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी दुखी राजकुमारी। प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी, लिटिल यानी छोटी, सैड मीन्स दुखी। शुरू करते हैं दोस्तों लेसन। देयर वाज वंस अ लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी सी राजकुमारी रहती है। वंस यानी एक बार, लिटिल यानी छोटी, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। देयर का कोई मतलब नहीं है दोस्तों यहाँ पर। सी लिव्स इन अ बिग प्लेस, और वह एक बड़े से बंगले में, महल में रहती है। प्लेस मीन्स होता है होगा महल, लिव्ड यानी रहती थी, सेकेंड फॉर्म में लिव की। सी हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। हैड का मतलब होगा पास होना, है ना, हैव के सेकंड फॉर्म है। उसके पास सब कुछ था। सी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, जैसे कि उसके पास सुंदर कपड़े थे, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, क्लोथ्स यानी कपड़े। सी हैड लवली टॉयस, और उसके पास बहुत प्यारे प्यारे खिलौने थे, टॉयज यानी खिलौने, लवली यानी प्यारे। सी हैड द बेस्ट फूड, और उसके पास जो है अच्छा भोजन भी था, बेस्ट फूड यानी सबसे अच्छा उसको भोजन भी मिलता था। बट द प्रिंसेस नेवर स्माइल, लेकिन फिर भी उस राजकुमारी ने कभी भी मुस्कुराया नहीं। नेवर यानी कभी नहीं, स्माइल यानी मुस्कुराना, प्रिंसेस यानी उस राजकुमारी ने। सी वाज ऑलवेज सैड, वो हमेशा दुखी रहती थी। ऑलवेज यानी हमेशा, सैड यानी दुखी। सी वाज सैड लिटिल प्रिंसेस, और वह एक छोटी राजकुमारी थी दुखी। वन डे, एक दिन की बात है, द सैड लिटिल प्रिंसेस वेंट फॉर ए वॉक, सी वेंट टू द फॉरेस्ट। एक बार जो हो छोटी राजकुमारी रहती है वो घूमने के लिए जंगल में जाती है। फॉर अ वॉक, इन तीनों ही शब्द का एक ही मतलब होता है, घूमने के लिए जाना। इंग्लिश में एडियम से दोस्तों, मुहावरा एक। सी वेंट टू फॉरेस्ट, और कहाँ जाती है वो घूमने के लिए, जंगल में जाती है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वेंट यानी जाना, यह गो के सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडिफिनिट से बना हुआ है सेंटेंस। सी वॉक स्लोली एस सी वॉक, जैसे कि वो धीरे धीरे चल रही थी। स्लोली यानी धीरे धीरे, वॉक यानी चलना। सी लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड, वो हवा की आवाज सुन रही थी। विंड मीन्स हवा, साउंड यानी आवाज, लिसन यानी सुन रही थी, सुनती थी। सी सा द शाइनिंग सन, वह उसने जो है चमकते हुए सूरज को देखा। शाइनिंग सन यानी चमकता हुआ सूरज, सी की सेकंड फॉर्म ऐसा मतलब होता है देखना। सी सा द क्लाउड्स पासिंग बाई, और गुजरते हुए बादलों को देखा। पासिंग बाई यानी गुजरना, क्लाउड्स मीन्स बादल, उसने गुजरते हुए बादलों को देखा। सी सा द वाइट फ्लावर्स, उसने सफ़ेद फूलों को देखा। सी सा द ग्रीन ग्रास, उसने हरे हरे घासों को देखा। ग्रीन ग्रास मतलब हरे हरे घास। सी सा हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग वाज, एंड सी बिगिन टू स्माइल, जब उसने देखा कि सारी चीजें कितनी सुंदर है तो फिर वो मुस्कुराने लगी, और वो मुस्कुराई। बिगिन टू है ना, मुस्कुराने लगी। बिगिन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे, जैसे मैं आने लगा, आई बिगिन टू कम, वहां जाने लगा, ही बिगिन टू गो, तो वह मुस्कुराने लगी। सी लुक्ड एट एवरीथिंग, उसने सारी चीजों को देखा। एवरीथिंग यानी सब कुछ, लुक एट यानी देखना, लुक एट दोनों ही वर्ड का एक हिंदी मतलब होता है देखना। सी लिसन टू द एवरीथिंग, उसने सब कुछ सुना। एवरीथिंग यानी सब कुछ, लिसन यानी सुनना। एंड देन सी बिगेन टू लाफ, और फिर वह हंसने लगी। बिगेन टू लाफ का मतलब होता है हंसने लगी। एंड सी लाफ्ट एंड लाफ्ट एंड लाफ्ट, फिर वह हंसती गई और वह हंसती ही रही। सी वाजंट सैड एनी लॉन्गर, और फिर उसके बाद वह कभी भी दुखी नहीं हुई। एनी लॉन्गर का मतलब होता है कभी नहीं, सैड यानी दुखी, वाजंट यानी नहीं थी, सी यानी वह। सी वाजंट सैड एनी लॉन्गर, वह कभी फिर दुखी नहीं रही। दोस्तों, यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो है आपको ग्रामर भी आपको बताई जाएगी, साथ में क्वेश्चन आंसर भी, सारी चीज़ें दोस्तों। धन्यवाद।